अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने किताब में पढ़ा होगा, तो उसे हम प्रैक्टिकली करते हैं। उसके लिए हमारे पास एक लेज़र लाइट है और एक प्लेन मिरर है। तो हम कमरे में अंधेरा करते हैं ताकि आपको इसकी पाथ दिख सके। तो मैंने कमरे में थोड़ी लाइट कम कर दी है और धूप बत्ती जलाया ताकि आपको इसकी पाथ अच्छे से दिखे। मैं लेज़र लाइट को जला रहा हूँ, आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कितना गजब हो रहा है। जो लाइट रे जाती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट होकर जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पे गिरती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर मैं इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस को घटाता हूँ तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी घटता है। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाता हूँ तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ता है। इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है यार। अगर ऐसे प्रैक्टिकली पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।